गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। अब यहाँ पे करीबन हमने एक काव्य देखा, जो यहाँ पे पद जो सूरदास ने लिखे थे, उसके साथ साथ हमने एक पाठ, ठीक है, तो उस पाठ का नाम नेताजी का चश्मा, जिसके साहित्यकार यानि जो लेखक है वो स्वयं प्रकाश है। अब यहाँ पे हम एक काव्य वापस लेंगे, दूसरा, उसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, आपके पास किताब होनी बहुत ज़रूरी है बच्चों। किताब ना हो तो मेहरबानी करके किताब ला दीजिएगा, ताकि यहाँ से आप ऑनलाइन में जो भी आप पढ़ो, देखो, सीखो, तो मतलब क्या वो आपके पास किताब होगी तो आप उसमें ध्यान दे पाओगे। यहाँ से जो मैं पढ़ाऊँगी, तो यहाँ पे जैसे कि काव्य होगा, तो वो काव्य के तो यहाँ पे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये काव्य है, इस प्रकार का काव्य है। आपके पास किताब होगी तो आप क्या जो मैं उसका अनुवाद अर्थात भावार्थ बताऊंगी तो आप उसको लिख सकते हो उसके बाजू में कि भाई ये पंक्ति इसका ये भावार्थ होता है, ये पंक्ति है उसका ये भावार्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दूसरा काव्य है, ये दूसरे काव्य की हम शुरुआत कर रहे थे। अब यहाँ पे जो पहला लेसन था, पाठ था, ठीक है, पाठ हमने एक ही देखा, कौन सा, नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा ये पाठ हमने देखा, तो उसमें हम लास्ट के वीडियो में हमने कौन सी चर्चा की थी, प्रश्नोत्तर की चर्चा की थी। तो प्रश्नोत्तर हमारे हो चुके हैं, अब प्रश्नोत्तर हो गए हैं, तो अब यहाँ पे जैसे स्कूल खुलेगी, जब भी कभी स्कूल खुलेगी उस टाइम पे हम लोग ये स्वाध्याय अर्थात ये वापस इसका एक बार रिविजन करेंगे, ताकि आपको इसको इस लेसन को लेकर अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो वो और ज़्यादा मतलब क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान से सुनना है, और जो वीडियो में मैं आपको जिस प्रकार से काव्य है, काव्य का भावार्थ है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास किताब महत्वपूर्ण है आप लाकर रखिएगा, नहीं है तो मेहरबानी करके जल्द से जल्द ला दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरे काव्य की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब यहाँ पे ये लिखने वाले हैं जो रचयिता है, अर्थात यहाँ पे जिसने ये काव्य लिखा है, ये लिखने वाले जो साहित्यकार, उसको हम बहुत कवि जिसको कहते हैं, वो बहुत ही प्रचलित है, जिसका नाम हम बार बार सुनते हैं, जिसकी रचनाएं हम बार बार पढ़ते हैं, जिसकी यहाँ पे तुलसीदास, तुलसीदास एक जाना पहचाना नाम है, साहित्य के क्षेत्र में बहुत प्रचलित है, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी रचनाएं हम पढ़ चुके हैं, उसको हम देख चुके हैं, उससे हम परिचित हो चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमेशा मैं कह चुकी हूँ आपको कि बच्चों, कोई भी साहित्य हो, कोई पाठ हो, कोई कविता हो, उसको पढ़ने से पहले हमें उसका परिचय प्राप्त कर लेना बहुत अच्छा, ताकि हमें पता पड़े कि वो जो पाठ है, जो काव्य है हम पढ़ रहे हैं, उसको लिखने वाले जो साहित्यकार है, जो लेखक है, जो कवि है, उनका परिचय हम प्राप्त कर लेंगे, तो हमें पता पड़ेगा कि भाई उनके जीवन में ऐसी कौन सी घटना थी, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, ऐसी कोई भी, और इंसान ऐसे होते हैं, मतलब हम सब इंसान की हमको जानने की जिज्ञासा, इच्छा, वृत्ति बहुत प्रबल होती है, तो जिसने ये बहुत अच्छे काव्य पाठ लिखे हैं उस साहित्यकार के बारे में जानना भी हमारा एक कर्तव्य बनता है। अब यहाँ पे तुलसीदास, तो तुलसीदास का जन्म सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी साल में हुआ। तुलसीदास का जन्म यहाँ पे 1532 में उनका जन्म हुआ। ठीक है, लिख रखिएगा, ताकि ये छोटी छोटी बातें आप लिखोगे, एक नोट और पेन लेकर मतलब साथ में बैठेगा, एक आध दो पॉइंट या मुद्दे ऐसे लिखोगे तो आपको काम आएगा। तो यहाँ पे तुलसीदास का जन्म कब हुआ, कौन से साल में, 1532 में। ठीक है, और उनका निर्धन, उनकी मृत्यु हुई 1623 में। 1500 ये मृत्यु और ये जन्म का उलट फेर मत कर देना मेहरबानी करके, मैं बार बार आपको बताती हूँ, क्योंकि आप जो जन्म का होता है वो मृत्यु में लिख देते हो, मृत्यु का होता है वो जन्म में लिख देते हो, तो पहले जन्म होता है उसके बाद मृत्यु होती है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पे 1532 में उनका जन्म और उनका निधन, मृत्यु जो हुई थी वो 1623 में। अब यहाँ पे सबसे पहले जन्म मतलब हमने कौन से साल में उनका जन्म हुआ वो देखा। अब यहाँ पे
जन्म स्थान कौन सा है वो देखना है। तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ था। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए तो बचपन में ही उनके माता पिता से बिछोह यानी कि वो अलग हो गए थे। मतलब अलग हो जाना अर्थात उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे तुलसीदास अकेले पड़ गए थे और सांसारिक अकेले पड़ने के साथ साथ उनका जो आत्मीयता का संबंध है वो ज़्यादा सांसारिक वस्तुओं से ज़्यादा ओतप्रोत रहा। तो अब यहाँ पे उनका जीवन बचपन से ही बहुत ही संघर्षों में बीता। तुलसीदास का जीवन बचपन से ही बहुत संघर्षों में बीता था। उनको बचपन से ही छोटी छोटी वस्तुओं के लिए अर्थात उनको जीवन में जो वास्तविकता है, जो मोह माया है, जो सांसारिक वृत्तियां हैं, इन सब चीज़ों से मतलब ज़्यादा ही वो वाकिफ हो गए थे। और अपने जीवन को जीने में, वैसे हर एक इंसान को अपने जीवन को जीने में बहुत ही कष्ट होता है। जीवन इतना सरल नहीं होता है, लेकिन हमें अपने व्यवहार से, अपनी सूझबूझ से अपने जीवन को खुद ही संवारना और सजाना होता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे तुलसीदास के जीवन में भी बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया और इसी दौरान उन्होंने धीरे धीरे जैसे ही समय के साथ वो आगे बढ़ते गए उनके जीवन में काफ़ी सारे संघर्ष भी उनको देखने को मिले। दूसरी एक बात, हर एक इंसान के जीवन में गुरु अवश्य होता है और एक गुरु ऐसा होता है मतलब जो हमें बहुत सारी ऐसी दुनियादारी अर्थात हमें बहुत सारी दुनिया की ऐसी वास्तविकता से परिचित करवाते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें संस्कारों का अर्थात हमें माँ सरस्वती से हमें परिचय करवाते हैं। हर एक के जीवन में ऐसा होता है। ये गुरु की भूमिका बहुत अहम होती है। तुलसीदास के जीवन में भी यहाँ पे गुरु नरहरिदास, ये जो मैं धीरे धीरे इस वीडियो में बोल रही हूँ, बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास का जन्म, उनकी मृत्यु, उनका जन्म स्थान, बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाना, जीवन संघर्षपूर्ण बीतना और यहाँ पे उनके गुरु गुरु नरहरिदास से उनका परिचय होता है। उन्होंने गुरु नरहरिदास ने तुलसीदास को यहाँ पे शिक्षा दीक्षा दी, जीवन का वास्तविक परिचय करवाया और उसके बाद फिर उनकी शादी हुई और उनकी पत्नी का नाम है रत्नावली। ठीक है, ये रत्नावली तुलसीदास की पत्नी का नाम है। उसके पीछे की कहानी है तो मैं आपको बता दूं, तुलसीदास आज हमारे सामने तुलसीदास की तरह नहीं आते। जैसे कि एक बहुत बड़े साहित्यकार, एक बहुत बड़े रचयिता, तुलसीदास का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में ही नहीं बल्कि भक्ति के क्षेत्र में भी उनका बहुत उच्च स्थान है, तो ऐसे तुलसीदास हमारे सामने आज नहीं होते। हम उनको जानते पहचानते भी नहीं। उनको जानने पहचानने की बात ये होती, हर इंसान के जीवन में हम कहते हैं ना एक यू टर्न आता है, बिल्कुल उसी प्रकार से तुलसीदास के जीवन में भी ऐसा ही था। तुलसीदास बिल्कुल हमारी तरह मतलब आधुनिक युग के हम लोग जैसे इंसान हैं, सोचते हैं, समझते हैं, हमारा जैसा व्यवहार होता है उसी प्रकार से वो जीवन को इतना वास्तविक नहीं पहचानते थे। बस आज है, अभी जो है उसको जियो, बाद का मतलब भविष्य का विचार मत करो, उनका ऐसा सोचना था। वो जिस प्रकार से अपने जीवन जीते थे बिल्कुल उसी प्रकार से बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि तुलसीदास के जीवन में ये जो बदलाव आया वो ऐसे कुछ जीवन में बनना चाहते थे। हर एक इंसान के जीवन में यू टर्न कब आता है, जब उसको कोई ठोकर लगती है, उसमें से कुछ सीखने को मिलता है कि चलो भाई यहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिला, अब मैं ये नहीं करूँगा, मुझे कुछ बनना है, आगे बढ़ना है। तो तुलसीदास के जीवन में भी ये उनकी पत्नी जो है रत्नावली, उसने उनके जीवन को बदल डाला। यहाँ पे एक ऐसी कोई कहावत है, ऐसी लोकवायिका, लोक दंत कथा जैसी है, अब उसमें कितनी वास्तविकता है वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई लोक कथा जैसी है तो वो मैं आपको बताऊंगी कि तुलसीदास हमारे सामने ये तुलसीदास बन के किस प्रकार से आए, जिन्होंने इतने बड़े इंसान, जिन्होंने रामचरितमानस ये जो धार्मिक किताब है, ये जो धार्मिक पुस्तक है, उसके रचयिता तुलसीदास है। तो इतने बड़े तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, ये तुलसीदास कैसे बने, तो उसके पीछे की जो ये कहानी है वो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी।
वो कहानी सुनेंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं तुलसीदास, मतलब ये एक छोटी सी घटना तुलसीदास के जीवन में ना हुई होती तो हमारे मतलब हमारे सामने ऐसे महत्वपूर्ण इंसान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, अर्थात जिन्होंने रामचरितमानस जैसी इतनी बड़ी किताब लिखी, इतनी बड़ी पुस्तक, धार्मिक पुस्तक लिखी, इतने बड़े इंसान हमारे सामने कैसे आए। ठीक है, तो मैं वापस एक बार कहती हूँ, बच्चों आपके पास किताब नहीं होगी तो मेहरबानी करके पहले ही आप किताब ला दीजिए, ताकि मैं यहाँ से कुछ बोलूँ, आपको वीडियो में वो दिखाऊं, तो आपको मतलब समझ में आए कि हाँ, वरना आपके पास किताब नहीं होगी तो आपको परेशानी होगी। ठीक है, थैंक यू।